रजनीकांत और अक्षय कुमार की 2.0 देश ही नहीं विदेश में भी जमकर कमाई कर रही है। महज 6 दिनों की कमाई के बाद इसने 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन लेके 500 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है। 5 दिन की कमाई के बाद फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ के भी पार था। इसी के साथ फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के लिस्ट में कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। अगर टॉप 15 फिल्मों की बात करें तो 2.0 फिलहाल आमिर खान की 3 इडियट्स को पीछे करके 12वें नंबर पर पहुंच चुकी है। टॉप 10 के लिस्ट में शामिल होने के लिए अक्षय कुमार को धूम 3 और टाइगर जिंदा है को पीछे करना होगा। जिस हिसाब से 2.0 कमाई कर रही है यह आसानी से 2 ही दिन के अंदर टॉप 10 के अंदर शामिल हो जाएगी। वहीं 6 दिनों के अंदर अक्षय कुमार की 2.0 ने एक झटके में शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस, आमिर खान की 3 इडियट्स और सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो को पीछे छोड़ते हुए टॉप 15 की फिल्मों में एंट्री ली। गौरतलब है जितना इन फिल्मों ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में कमाया उतना अक्षय कुमार ने महज 4 दिन में ही कमा लिया। आपको बता दें कि शंकर के निर्देशन में बनी 2.0 का अगला बॉक्स ऑफिस टारगेट 1000 करोड़ क्लब है। वहीं फिल्म 543 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई और बाकी इसके प्रमोशनल बजट भी अलग ही था, तो इस हिसाब से इसने काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन कर लिया। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस आसानी से 1150 करोड़ की कमाई करेगी ही, साथ में इसको सिर्फ हिट होने के लिए ही 1100 करोड़ चाहिए, तो ये आसानी से कमाई करेगी और उसके बाद ये और भी कमाई कर सकती है और सुपर हिट हो सकती है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने अगर 2.0 देखी है तो आपको कैसी लगी है। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।